हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रामू प्रसाद और आप देख रहे हैं एसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम कनेक्शन करने वाले हैं चार तार वाले सीलिंग फ़ैन का। देखिए, चार वायर हैं इसमें और ये 2.5 MFD का कैपेसिटर है। इसका कनेक्शन करेंगे इसके साथ और किस तरह से इसका कनेक्शन किया जाएगा। चार तारों में दो वायर हमारी कंडेंसर की हैं और दो रेड कलर की हैं रनिंग की और दो हैं स्टार्टिंग की। तो चलिए इसको फिट कर लेते हैं इसमें और इसका कनेक्शन करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से कौन सी तार कहाँ पे लगाई जाएगी। चार तार का कनेक्शन करना दोस्तों थोड़ी कन्फ्यूजन होती है एक नए व्यक्ति के लिए। चलिए आपको मैं आज आपको पूरी डिटेल में आपको करके दिखाऊंगा। बकायदा दो नीली तार स्टार्टिंग की और दो रेड वायर रनिंग की, इसको किस तरह से ज्वाइंट करेंगे देखिए। इसमें दो तारें हमारी रेड हैं, दो ब्लू हैं और दो हमारी वाइट हैं, यानी कि जो दो हैं हमारी कंडेंसर की, दो ब्लू कलर की हैं स्टार्टिंग की, दो रेड कलर की रनिंग की। और तो फ्रेंड्स, कनेक्शन करने के लिए हमें एक ब्लू कलर की वायर और एक रेड कलर की वायर को ले लेना है और दोनों को आपस में जोड़ देना है इस तरह से, और दूसरा एक ब्लू कलर की वायर और एक सफ़ेद यानी कि कंडेंसर की वायर, क्योंकि दो तार उसमें थी, एक तो एक कंडेंसर की तार और एक ब्लू कलर की वायर में जोड़ देना है और दूसरा कंडेंसर का तार हमें जो हमारी रेड कलर की वायर छूटी हुई थी उसमें हमें जोड़ देना है इस तरह से। देखिए देखिए, तीन हिस्से हो गए हैं। अब इस पहले छः थे, अब ये तीन भाग हो गए इसके। तो अब इसके अंदर हमें कनेक्शन कैसे करना है और मेन हमारी कौन सी वायर होगी, तो मैं आपको बता दूं, कभी भी मेन लोड हमें रनिंग के तार पे देना होता है। अब आपको मैं बता देता हूं कि इसका चक्कर किधर से होगा। देखिए, ये कंडेंसर का हिस्सा इस तरह से घूमेगा। जब हम चेक करेंगे तो हमारा कंडेंसर इस तरह से घूमना चाहिए और जो पंखा नीचे वाला हिस्सा है वो इधर से घूमेगा, इस तरह से घूमेगा, तभी ये नीचे हवा देगा। तो चलिए इसको हम सीरीज बोर्ड से सीरीज के तार लगा करके इसको हम चेक करते हैं कि इसका हमारा जो कनेक्शन है वो ठीक हुआ है, हमारा पंखा सीधा चल रहा है या उल्टा, तभी हम इसका पक्का कनेक्शन करेंगे। तो देखिए, हमारा ये जो पंखा है ये अभी उल्टा चल रहा है, क्योंकि इस तरह चल रहा है, हमें इधर से नहीं बल्कि इस साइड से चलना चाहिए, ऊपर का हिस्सा इधर से चलना चाहिए, तभी नीचे का हमारा दाहिने तरफ जाएगा। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, हमें कोई भी, चाहे रेड चाहे ब्लू, कोई भी एक तार को हमें बदल देना है, ठीक है। हमें कॉमन में से, जो हमने कॉमन बना रखा है, इसमें से हमें एक तार को बदल देना है, यानी कि ब्लू को इधर से उधर कर देना है, एक तार उधर के ब्लू तार को हमें इसमें जोड़ देना है और जो हमने इसमें से कॉमन वाले में से तार में से निकाला था इसको हमें कंडेंसर के साथ जोड़ देना है। और अब मैं आपको फिर से चेक करके दिखाऊँगा कि इसका कनेक्शन, अब देखेंगे कि ये सीधा हो चुका है। चलिए सीरीज की वायर लगाते हैं दोबारा से और इसको हम आपको चेक करके दिखाते हैं। इस तरह से अलग अलग कर लीजिए। बिजली का काम है दोस्तों, थोड़ी सावधानी से करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कोशिश करें कि आप खुद ना करें, कोई अगर आप जानकारी है, आपको मिस्त्री हैं तो ये कराएं। देखिए, अब हमारा ये कनेक्शन हो चुका है पूरी अच्छी तरह से और ये अब कंप्लीट हो गया है इसका कनेक्शन। और अब इसको हम अर्थ चेक कर लेते हैं एक बार सभी तारों पे, क्योंकि ये बॉडी शॉर्ट तो नहीं इसकी वाइंडिंग, तो आप देख सकते हैं बॉडी शॉर्ट नहीं है कहीं से भी। अब ये हमारा पंखा ओके है तो इसका कनेक्शन, अब हमें ये जो हमारा कनेक्टर दिख रहा है, इस कनेक्टर के अंदर हमें इसका कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन क्या है, कनेक्टर के अंदर हमें इसका तार लगा देंगे तो ब्लू तार को हमें बीच में लगाना होता है। जो हमारी ब्लू कलर की वायर है जिसपे वाइट और ब्लू लगा हुआ कंडेंसर की तार लगी हुई है, इसको हमें बीच वाले हिस्से में लगा देना होता है, क्योंकि ये हमेशा बंद रहता है, इसके ऊपर कोई कनेक्शन हमें मेन नहीं है। मेन हमारी केवल जिसमें जहाँ रेड गई हुई है, रेड कलर की रनिंग की वायर जहाँ पे गई हुई है वही हमारी मेन तार होगी। तो इसको हमें ऊपर लगा देना है, एक रेड वायर को हम ऊपर लगा देंगे और एक रेड वायर जो रेड ब्लू तार है उसको ऊपर लगा देंगे और एक रेड और वाइट वायर जो है, जो कंडेंसर से आ रही है और रनिंग की है, उसको हमें नीचे के तरफ लगा देना है। कोई ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंडेंसर वाली तार को हमें ऊपर लगाना है या नीचे लगाना है, किसी को कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन मेन हमारी यही रहेगी और इसलिए हमें इसी को लगाना होता है मेन ऊपर नीचे साइड में। तो दोस्तों, इस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है चार तार के पंखे का, जिसमें दो किसी भी कलर की हो सकती हैं
तो हमारा ये कनेक्शन हो गया है। अब देखिए जो मेन वायर आएगी हमारी वो इसके अंदर लग जाएगी, जो हमारी छत से आती है जो हमारी रॉड के अंदर लगती है उसमें लग जाती है। तो हमारा ये बन गया है, पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की हमारी वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।